अपने को या तो क्या है कि पढ़ के अच्छा करना है या फिर गांव में खेती बाड़ी करनी, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारे पास था नहीं। सोचा नहीं था कि लाइफ में इतना कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक गांव से रहने वाला हूं और मेरा जो बैकग्राउंड है वो कहने कहीं लाइक हिंदी मीडियम का रहा है और सरकारी स्कूल में पढ़े हैं हम लोग। तो यार इतना नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। अगर आप भी किसी गाँव के रहने वाले हैं और आप अपना एजुकेशन कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार शहर में जा रहे हैं तो लाइक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, खास करके जैसे कि आपका मीडियम हिंदी और जाके आपको लाइक टोटल सब कुछ इंग्लिश में, प्लस बहुत सारे ट्रेडिशंस चेंजेस आते हैं, राइट? आप गांव में देखते हो तो वहाँ पे कुछ अलग ही आपको मिलता है और जब शहर में जाते हैं तो पूरा एकदम चकाचौंध नजर आती है, कन्फ्यूज होते हैं कि यार ये करें ये करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि गाँव से शहर में जाने के बाद भटक जाते हैं, राइट? चकाचौंध में इतना घूम जाते हैं कि वो अपना जो असली उद्देश्य और जो उनका ड्रीम है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो यार मैं बताऊंगा कि मैं भी एक गांव का रहने वाला और मुझे भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक फेस करनी पड़ी और आज मैं आपके सामने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूंगा और कहने कहीं मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप भी अगर ऐसा फेस कर रहे हैं तो यार आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं। सो मैं प्रतापगढ़ के पास में एक गाँव है वहाँ का रहने वाला हूँ और शुरुआती हमारा जो एजुकेशन है वो गाँव में हुआ है। तो खैर मेरे पिताजी लाइक गवर्नमेंट जॉब में थे और पटवारी की पोस्ट पे थे तो उनको थोड़ा समय नहीं मिल पाता था। हम तीन भाई और तीन में से सबसे छोटा मैं हूँ। बड़े भाई बाहर रहते थे, मतलब बुआ के पास रहते थे और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी। हम दो भाई जो थे वो हम गांव में रहते थे और लाइक पापा को थोड़ा लगा कि यार चलो बच्चों को थोड़ा एजुकेशन के लिए करते हैं, तो उन्होंने प्रतापगढ़ में लाइक हम कुछ टाइम रहे शुरू शुरू में। लाइक मैंने फर्स्ट लाइक LKG गाँव प्रतापगढ़ में पढ़ा, फिर वापस कंडीशन ऐसी कुछ हुई कि वापस हमें गांव आना पड़ा, तो मैंने अपना एजुकेशन 5th तक गांव किया एंड गांव में किया। उसके बाद लगा कि हाँ ठीक है थोड़ा पढ़ने में कर रहा है सही, तो फिर प्रतापगढ़ में एक बोर्डिंग था, जैन बोर्डिंग था, वहां पे मैं आया और बोर्डिंग में लाइक हम छोटे थे 6th क्लास में थे तो सब काम खुद को करना है क्योंकि आप नहा रहे हो, कपड़े भी खुद धो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि अब 6 साल लाइक 6th क्लास में आपकी क्या एज होगी, राइट? तो सब कुछ करना स्टार्ट किया। फिर कॉलेज में आए और कॉलेज में भी वापस क्योंकि कॉलेज की लाइफ में काफ़ी कुछ दिखता है, चकाचौंध नज़र आती है, सब अच्छी फैमिली के और हम ठेरे गांव से और कभी कभी तो साइकिल भी चला लिया करते थे और लाइक होता है ना कि आप कॉलेज में हो तो आपके पास लाइक बाइक और सब कुछ कार वार सब है, अपने पास कुछ नहीं है, राइट? तो लाइक काफ़ी सारी वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। खैर मेरा जो BSc था वो प्रतापगढ़ से ही मैंने किया है और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आता था कि यार ठीक है मजे करो ये कॉलेज लाइफ है, पर वापस नज़र आता था कि यार अपन गांव के रहने वाले हैं क्योंकि अपने को या तो क्या है कि पढ़ के अच्छा करना है या फिर गांव में खेती बाड़ी करनी, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारे पास था नहीं। तो यार लगा कि यार चलो कुछ तो करते हैं, पर पढ़ाई में ठीक है मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था कि मैं क्लास के अंदर टॉप कर रहा हूँ। अब जब कॉलेज के दौरान हम लोग NCC भी ज्वाइन किया तो लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि जो लाइक शहर के जो स्टूडेंट्स होते थे और लाइक होता है थोड़ा कंपेरिजन होता है, अरे यार क्या है देसी है लाइक, है ना, आपके कपड़े का पहनावा आपके रहने का पहनावा होता है शुरू शुरू में, आपको चीज़ों को लाइक आप सीखते हो, राइट? इंग्लिश का भी एक इशू होता है कि यार लाइक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, आप हिंदी मीडियम के जा रहे हो, क्लास के अंदर वैसे भी नॉर्मल हिंदी इंग्लिश यूज़ होता है, पर कहने कहीं थोड़ा सा एक समस्या होती थी हमें। पर यार मन में एक ही था कि यार चला कुछ करके दिखाना है, राइट? अपने आप को ऐसा स्टेबल करना है कि यार एक दिन लगेगा कि हाँ यार इसने कुछ कर लिया लाइफ में। और रियली बोल रहा हूँ कि आज मेरे ग्रेजुएशन के साथ वाले स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है कि यार लाइफ में कुछ इतना अच्छा कर गया, राइट? ऐसे ही फिर लाइक 2001 में मेरा BSc हुआ, उसके बाद फिर MSc करने के लिए 2001 में मैं उदयपुर आया, तो यहाँ तो पूरा ही उल्टा ही लाइक पूरा ही अलग ही नज़ारा था क्योंकि लाइक हिंदी मीडियम का जस्ट मैं BSc हिंदी मीडियम से किया, उसके बाद MSc यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, राइट? बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, पर हाँ मेरे क्लासमेट्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। होता क्या है कुछ कुछ लोग होते हैं जो आपके मज़े लेते हैं, पर ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सारा हेल्प मुझे मिला और मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया एंड अपनी जगह बनाई वहाँ पे। और मेरा उदयपुर आना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखा और लाइक यहाँ पे भी हॉस्टल में रहता था एक्चुअली, यहाँ पे जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उसका हॉस्टल था गवर्नमेंट का, वहीं पढ़ते थे और वहाँ पे भी काफ़ी सारे लाइक मज़े करें पर हाँ स्ट्रगल भी करा, बट ठीक है। देखो होता क्या है कि समस्याएं आती है जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको एडजस्टमेंट करने में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और खास करके जब कहीं छोटी जगह से आप बड़ी जगह जा रहे हो तो वहाँ पे लोगों में जगह बनाने में आप में कुछ ना कुछ या तो स्किल होनी चाहिए या आप में वो जज्बा होना चाहिए कि यार हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट? तो वो जज्बा मुझ में था तो बहुत सारे जो कॉलेज में फंक्शंस होते थे ठीक है कुछ भी ढंग से नहीं आता था, ना गाना ढंग से आता था ना बजाना ढंग से आता था, है ना, मैं डफली बहुत अच्छा बजाता था बट हाँ ठीक है फिर भी मैं पार्टिसिपेट करता था और कभी कभी लाइक वो होता ना इज्जत खराब होती है तो वो भी होती थी,
बट ठीक है, मतलब अपने आप को दिखाना कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने आप का कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि यार मैंने इन स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट किया, ये अच्छे बच्चे हैं और मैं थोड़ा कम हूँ, पर हाँ मैं इनके साथ खड़ा हूँ। उसके बाद फिर लगा कि यार अब जॉब करना चाहिए, क्योंकि एमएससी हो चुकी है और एक छोटे बैकग्राउंड से, तो कहने की फाइनेंशियल का भी प्रेशर रहता, क्योंकि फादर के भी हम तीन बेटे थे तो खर्चा कहीं ना कहीं हो जाता है, तो फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आती थी। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे अपना कहने के जॉब स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं प्रतापगढ़ में, वहाँ पे एक स्कूल है, अच्छा खासा स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ से जॉब स्टार्ट करता हूँ। मैंने मिला तो उन्होंने मुझे, एमएससी स्टूडेंट था मैं और अच्छे परसेंटेज से पास की थी मैंने एमएससी, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार तुम्हें अभी हम बड़ी क्लास नहीं दे सकते, पर पाँचवीं से आठवीं तक तुम्हें क्लासेस लेनी है। तो मैंने फिफ्थ से एट तक क्लासेस लेना स्टार्ट करी। मेरी सैलरी 2300 थी, सिर्फ 2300 रुपये थी मेरी सैलरी वहाँ पर, बट मैंने मतलब शर्म नहीं करी, मुझे स्टार्ट करना था, राइट। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे कोई फ्री में भी कहीं काम पे रख ले तो बस मैं सीखना चाहता था। आई जस्ट वांट टू डेवलप माय स्किल। और मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ कि यार पैसे मत देखो। क्या होता है, स्टूडेंट जैसे अपना ग्रेजुएशन करता है सोचता है यार मेरे को इतने पैसे चाहिए, नहीं, आप सीखो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, राइट। पर साथ साथ में क्या था कि पिताजी का प्रेशर था कि यार बीएड कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, क्योंकि मतलब जॉब्स होनी चाहिए, राइट। पर मेरी इच्छा बीएड करने की बिल्कुल नहीं थी, मैं चाहता था कि मैं पीएचडी करूं, नेट करूं और मुझे कॉलेज में प्रोफेसर, ये शुरू से मेरा ड्रीम था जब मैं एमएससी करने आया था, राइट। बट कंडीशन ऐसी थी कि यार नहीं यार मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जॉब करना है तो कुछ ना कुछ करना है। तो पिताजी ने बहुत बोला कि बेटा बीएड कर ले, बीएड। और मेरे साथ जो कलीग्स थे जो स्कूल में पढ़ाते थे वो मुझे बोलते थे कि यार बीएड क्यों नहीं कर लेता, एमएससी अच्छे परसेंटेज, बीएड कर लेगा तो तू फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहीं भी फिट हो जाएगा। पर मैंने नहीं की बीएड, है ना। मैंने एक दो बार एग्जाम भी दिया पर भगवान ने मेरा साथ दिया कि मेरा पीटीईटी जो एग्जाम होता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो मैं क्लियर नहीं कर पाया, और मैं भगवान से शुक्रिया करता हूँ कि नहीं हुआ, है ना। उसके बाद फिर 2005 के अंदर एक साल मैंने काम किया, 2005 के अंदर फिर उदयपुर में एक इंटरव्यू था कॉलेज के अंदर, एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पर इंटरव्यू था, वहाँ इंटरव्यू देने आया। और वो भी बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि एक मेरे गुरुजी हैं जो कि जब मैं एमएससी कर रहा था तो वो एज ए गेस्ट फैकल्टी, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, तो एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहते थे। तो होता क्या था कि जब हम क्लास के अंदर, क्योंकि उनकी क्लास 2-3 बजे होती, तो सभी स्टूडेंट भाग जाते थे, कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेला ऐसा था। वो मुझे बोलते थे कि बेटा मैं क्लास लेना, तू आ जाना, राइट। क्योंकि एक दो स्टूडेंट भी होते थे, उनका लेक्चर काउंट हो जाता था, राइट। तो मैं चला जाता, मैंने कहा सर ठीक है मैं आ जाता हूं। और वो मुझे पढ़ाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो एलजेब्रा पढ़ाते थे। तो जब 2005 में मैं एक कॉलेज में उदयपुर में इंटरव्यू देने आया, तो इंटरव्यू लेने वही आए, राइट। और 10 जने थे हम लोग, जहां पर मैं एमएससी फ्रेशर था, बाकी स्टूडेंट पीएचडी नेट वाले भी थे, पर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया क्योंकि वो जानते थे कि यार लड़का मेहनती है, कर सकता है, राइट। तो खैर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो ठीक है, 2005 में मेरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया एज ए टीचर। तो मैंने पीएचडी अपना 2006 में स्टार्ट कर दिया, एंड 2006 से मेरा पीएचडी हुआ, 2009-10 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया था, एंड देन साथ में काफ़ी कुछ सीखा। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसके अलावा मुझे दूसरा कुछ सोचना चाहिए। 2016 से मेरे मन में आ गया था कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। फिर मैंने एक अलग कॉलेज में, 2016 में मैंने पुराने कॉलेज को रिजाइन किया, फिर एक नया कॉलेज मैंने ज्वाइन किया। 2017 में मेरी एक नई पारी स्टार्ट हुई, एज अ डायरेक्टर मैंने एक कॉलेज में ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, है ना। और वहाँ पे एज अ डायरेक्टर मैंने काम किया और वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्टूडेंट 80,000 रुपये आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फीस दे रहा, उसके बाद भी फिर वो इधर उधर कोचिंग कर रहा, तो यार ये मुझे लगता था कि यार ये बहुत गलत है। क्योंकि और खास करके उस गरीब माँ बाप जो कि अपने बच्चे को जैसे तैसे करके पैसा जोड़ के इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, उसके बाद भी वो बच्चा इधर उधर कोचिंग जाता था, यार ये मेरे को बड़ा बहुत गंदा लगता था। कि यार मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ के दिन आ जाते थे कि यार पापा को जब हम फीस की बात बोलते थे या कहीं कोचिंग का कुछ बोलते थे, तो लगता था कि यार ये पैसा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम तीन भाई थे तो कहीं ना कहीं खर्चा रहता था, राइट। और एक खास करके मैं उस ग्रामीण परिवेश था, तो वहाँ भी मैं आसपास देखता था लोगों को कि पैसे के लेके कितना स्ट्रगल है, राइट। जब भी मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनता हूँ, तो मैं आपको एक ही बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान ने आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, तो यार हमेशा मैं अपने पैर जो है वो ग्राउंड पे रखता हूँ कि यार मुझे ठीक है, भगवान ने इतना अच्छा मेरा सपोर्ट किया और मुझे आशीर्वाद दिया और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, पर यार अपनी औकात नहीं भूलता हूँ मैं, क्योंकि औकात जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, कि आप कितने बड़े बन जाओ पर आपके जो पैर है वो ज़मीन पर होने चाहिए। और यही मैं सीखा हूँ और यही आगे मैं फॉलो करूँगा। सो यही मेरी लाइफ है और मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप भी विश्वास रखते हैं कि हाँ आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो यार बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स मुझे पूछता है कि सर मेरी कंडीशन ये है, मेरे साथ ये, अरे तुम मेहनत करो यार, 100% सक्सेसफुल बनोगे। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए। होगा आपके साथ बुरे अनुभव भी होंगे, अच्छे अनुभव भी होंगे, अच्छे अनुभव को एंजॉय करना है, बुरे अनुभव से सीखना है कि यार ये गलती मुझे रिपीट नहीं करनी, राइट। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, राइट, आपके साथ भी होगा। तो सीखना है, भगवान मुसीबत उसी को देता है जो उसको वहन कर सकता है, जो झेल सकता है ना।
ठीक है, जिसको मुसीबत नहीं देता वो जीवन में कभी आगे बढ़ भी नहीं सकता, राइट? तो लाइक प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? तो हमें उनसे सीखना है, क्लियर है? और आप जीवन में क्या करना चाहते हैं और आपने मुझसे क्या सीखा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज माई लाइफ स्टोरी, थोड़ा सा और कुछ रह गया, सो विल लाइक आगे कभी ऐसा कोई पार्ट टू होगा तो मैं इस पर काम करूंगा। थैंक यू, बाय बाय। क्यों देखें आज के हिसाब से प्रतापगढ़, लेकिन वो जो गांव से यदि कोई बच्चा निकल रहा है और जिसने 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ा है, उसके बाद कॉलेज में आता है, तो थोड़ी सी वहाँ की रंग रंग वहाँ की जो चमक है उसके बीच में देखता है, यार मेरी यहाँ, मेरा यहाँ कहाँ रोल है, मैं यहाँ किस किरदार में फिट होऊंगा। तो वहाँ में गजेंद्र और उसके साथ जो सुहेल था, वो छोटी मोटी कोई कोई जो कॉलेज की एक्टिविटीज होती थी उसमें पार्टिसिपेट करने की, कुछ इधर उधर मतलब इसको बोलते हैं ना, घुसने की कोशिश करते थे इस तरीके से।